Good morning, students. Welcome to Parshav International School Online Classes. Students, today we are going to learn properties of addition. What is the first property of addition? Addition of 1. If we add 1 to any number, the answer is the next number. अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उसका आंसर उस नंबर का नेक्स्ट नंबर होगा. जैसे हमारे पास नंबर है 6, 6 के साथ हम जब 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 7. 7 जो है 6 के बाद आता है. 8 के साथ 1 ऐड करेंगे क्या आएगा? 9. 8 के बाद आता है 9. 9 के बाद क्या आता है? 10. जब हम 9 के साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10. कोई भी नंबर हो उसके साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर उसका नेक्स्ट नंबर होगा जो सीक्वेंस में होगा. When 1 is added to a number, the answer is the number that comes just after the given number. जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो उसका जस्ट आफ्टर वाला नंबर आएगा. यानी 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10. कोई भी नंबर हो उसका जस्ट आफ्टर वाला नंबर होगा. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ 1. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ 0. क्या 0 कोई नंबर है? नहीं, पर जब ये किसी नंबर के साथ लग जाता है तो उस नंबर की एक वैल्यू बना देता है. नाउ जब हम 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो जो हमारे पास दिया हुआ नंबर होता है हमारा आंसर भी वही नंबर वापस आएगा. जैसे ये 4 है, 4 के साथ हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर में हमें वापस क्या मिलेगा? यही नंबर वापस मिलेगा क्योंकि 0 कोई नंबर नहीं है. ठीक है, हम 0 की स्ट्रोक्स खींच सकते हैं क्या? नहीं, 4 की स्ट्रोक्स हम खींच सकते हैं. अब 1 प्लस 0 कर लो तो भी यही सेम आंसर आएगा. मतलब 0 के साथ हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो आंसर गिवन नंबर ही होगा. व्हेन 0 इज एडेड टू ए नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच इज ऑर्डर इन एडिशन. Now come to the next page, page number 27. Exercise 2D. Fill in the boxes. आपको कुछ additions दे रखे हैं simple से, आपको fill करने हैं. 4 के साथ क्या जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा हमें. 4 के बाद आता है 5. तो ऑर्डर ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने पढ़ा था जब 1 किसी नंबर के साथ ऐड होता है तो आंसर ऑटोमेटिकली उस गिवन नंबर का नेक्स्ट नंबर होता है. इसमें आपका नंबर गिवन नंबर कौन सा है? 4. इसके साथ हमें क्या ऐड करना है? यू डोंट नो, बट यू नो द आंसर
नंबर टू बी देखिए, डैश प्लस वन इज इक्वल टू एट। अब किसके साथ वन जोड़ा कि आपको एट मिल गया, यानी कि वन जोड़ा है तो जस्ट आफ्टर वाला नंबर है एट, तो जस्ट बिफोर वाला नंबर क्या होगा? सेवन। सेवन प्लस वन इज इक्वल टू एट। नेक्स्ट देखिए थ्री प्लस वन, ये तो सिंपल है, फोर ये आप कर सकते हैं। देन डी देखिए, सिक्स के साथ क्या जोड़ा, जो नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट नंबर आया, क्या जोड़ा हमने? वन। ये सारा एडिशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप अपने आप करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिल द बॉक्सेस। टू प्लस जीरो, जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो क्या आंसर आता है? द नंबर इटसेल्फ। तो क्या आंसर आएगा? टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू। नेक्स्ट नाइन प्लस जीरो इज इक्वल टू नाइन। जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री। एट प्लस डैश इज इक्वल टू एट। एट ऐड किया है और आंसर भी एट आया, तो हमने इसके साथ क्या ऐड किया? जीरो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, फिल इन द बॉक्सेस। वन प्लस थ्री इज इक्वल टू, आपको पहले वन और थ्री स्ट्रोक्स खींचनी है, क्या आंसर आएगा वो आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थ्री प्लस वन इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा उसे भी आप बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, वन प्लस थ्री व्हाट शुड वी गेट? वी गॉट फोर। अगेन थ्री प्लस वन, इट इज द रिवर्स ऑफ दिस। थ्री प्लस वन भी फोर आया। उसके सामने देखिए आपके लिखा हुआ है वन प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस ब्लैंक। अब आपको यहाँ क्या फिल करना है? वन प्लस थ्री, ये हमारे पास है वन प्लस थ्री। नेक्स्ट थ्री प्लस थ्री प्लस, इतना हमारे पास वहां लिखा हुआ है, हमें बॉक्स में क्या करना है? वन। ये हमारा आंसर, ये यहाँ आप फिल करेंगे। सेकंड देखिए, फाइव प्लस थ्री थ्री प्लस फाइव। थोड़ा सा माइंड लगा के करेंगे, अपने आप आपको हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत से सिंपल सी एक्सरसाइज है।